के लिए बड़ी समस्या रही है। इसे लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते रहे हैं, लेकिन अब यह हालात बदलने वाले हैं। बेहतर और जल्द अनुसंधान पूरा करने के लिए पटना सिटी एसपी सेंट्रल विनय तिवारी ने एक अनोखी पहल की है। विनय तिवारी ने खुद के स्तर से केस के अनुसंधान के लिए एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम तैयार कराया है। खास बात यह है कि यह इन्वेस्टिगेशन रूम 24 घंटे काम कर रहा है और 24 घंटे अनुसंधान को पूरा करने का काम चल रहा है। यह कोशिश कामयाब रही तो दूसरे जिलों के लिए यह मुहिम मॉडल बन सकती है। अपराधी अब कानून के शिकंजे से नहीं बच पाएगा। क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बड़े बदलाव की पुलिसिया तैयारी। विशेष रणनीति के साथ पेंडिंग केस की 24/7 अनुसंधान। बेहतर अनुसंधान की कमी के कारण अपराधियों का कानूनी शिकंजे से बच निकलना क्राइम कंट्रोल को लेकर बड़ी वजह रही है। बेहतर अनुसंधान के लिए ही बिहार सरकार और पुलिस मुख्यालय ने लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन विंग को अलग अलग बांट दिया है। खुद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों को इसी पैटर्न पर क्राइम कंट्रोल करने का निर्देश दिया है। पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी भी सरकार और पुलिस मुख्यालय की मुहिम को अंजाम तक पहुंचाने में जुटे हैं। पटना सिटी एसपी सेंट्रल के अधीन 13 थाने आते हैं, जहां अभी तक कुल 8,000 केस पेंडिंग। इन पेंडिंग केसों के निपटारे के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की गई है। एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन रूम तैयार किया गया है। इस रूम की खास बात यह है कि यह इन्वेस्टिगेशन रूम 24 घंटे काम कर रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत करीब 6 घंटे एक थाना के सारे ऑफिसर यहाँ रहते हैं, करीब 4 घंटे वहाँ के इंस्पेक्टर रहते हैं, 2 घंटे डीएसपी बैठते हैं, 1 घंटा मैं स्वयं बैठता हूँ और हम लोग बैठ के इन्वेस्टिगेशन को फास्ट करने की कोशिश करते हैं और प्रोसेसेस को इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में बांट कर उसको कंप्लीट करने का टाइम टेबल निर्धारित करते, समय के अनुसार उसको समाप्त करने की कोशिश है। पटना के सिटी एसपी सेंट्रल ऑफिस के पास बने इस विशेष इन्वेस्टिगेशन रूम में हर दिन सभी अनुसंधानकर्ता को 6 घंटे देना अनिवार्य है। सभी एसएचओ को 4 घंटे, डीएसपी को 2 घंटे और खुद सिटी एसपी को 1 घंटे का समय देना अनिवार्य कर दिया गया है। केस की जांच कर रहे सभी आईओ को 3 तरह की डायरी रखने का निर्देश दिया गया है। हर आईओ के पास अपना वर्क रजिस्टर भी होगा। पहले डायरी में आईओ अपने सारे केस की वर्तमान स्थिति की जानकारी रखेंगे। दूसरी डायरी में अपने केस को लेकर आगे क्या करना है उसका जिक्र होगा और तीसरी डायरी में अपने केस की रिव्यू रिपोर्ट डालनी होगी। हर एक 3 दिन पर केस का रिव्यू सिटी एसपी के स्तर पर किया जाएगा। अनुसंधान में काफ़ी प्रगति हो रही है और हमारे सिटी एसपी साहब का जो ये उद्देश्य है कि हम लोग का जो अनुसंधान हो काफ़ी सारगर्भित अनुसंधान हो और अचीवमेंट हो, अनुसंधान में हम लोग सही जगह पर पहुंचे, इसके लिए ये एक नया माहौल मिला है, नया अवसर मिला है। अनुसंधान के काम को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाने की इसे बेहतर पहल मानी जा सकती है। पुलिस हमेशा से अपनी कार्यशैली को लेकर सवालों में रही है, लेकिन इस बार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की कोशिशों के कारण पुलिस के आला अधिकारी अनुसंधान विंग की सफलता को मजबूत बनाने में जुट गए, जिसे आम लोगों के लिए बेहतर संकेत माना जा सकता है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।